नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के एक बड़े इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ। तो साहब, हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम रोज आकर यानी हर एक क्लास के अंदर जो है इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो भारतीय इतिहास की आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सारी की सारी घटनाएं हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से जड़ी हुई है, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आज जो है अपन तीन इंपॉर्टेंट घटनाओं की तरफ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा दिए गए एक ऐसे ऑफर की, क्योंकि उनको घबराहट हो रही थी कि साहब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, वर्ल्ड वॉर द्वितीय जो है वो छिड़ चुका है, अब भारतीयों की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना जिसके हम चलेंगे साहब, ऐसा सत्याग्रह जो सब लोगों द्वारा नहीं व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल तौर पर करा जाएगा। और तीसरी हम बात करेंगे कि एक भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी ऐसी इमेज थी कि साहब ये भारतीयों की बातें करता है इंग्लैंड के अंदर, वो भारत के अंदर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आता है और उससे भारतीय राजनीति के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, उन सभी घटनाओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे साहब अगस्त प्रस्ताव या अगस्त प्रपोजल। सिचुएशन क्या थी उसको ध्यान से समझो। हमें देखने को मिल रहा था साहब अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ चुका था और अंग्रेजों को किसकी ज़रूरत थी, जो उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी, जो सबसे बड़ा उपनिवेश था, उसकी मदद की। और वो कौन था भैया? हमारा प्यारा भारत। पर भारत के नेताओं को है ना वो समझ आ चुकी थी साहब कि हम ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं और दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कैसे भाई? आप सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था तो भारतीयों ने अंग्रेजों का पूरी तरीके से साथ दिया था, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे मिलिट्री तौर पर हो, हर तरीके से साथ दिया। और बदले में भारत को क्या मिला? भारत को वही दुख मिले, भारत को वही शोषण मिला। यानी आप एक बार जो है वो तो बुद्धू बन सकते हो, लेकिन दूसरी बार अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आप समझ जाओगे साहब कि दाल में बहुत ज़्यादा चीज़ें काली है, हम तो ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। तो धोखा एक ही बार खाना चाहिए, जीवन में लोगों को चांस जो है वो सिर्फ एक ही बार देना चाहिए। तो अब भारतीयों के साथ की ज़रूरत थी, इस वजह से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को एक ऑफ़र दिया, वो अगस्त के महीने में दिया था, उसको कहते हैं साहब अगस्त प्रपोजल। यानी ये ऑफ़र जो था, ये पूरा का पूरा जो ऑफ़र था उसके अंदर वो भारतीयों को कन्विंस करना चाह रहे थे कि भैया हम जो है तुम्हें डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा दे देंगे, हम तुम्हारे लिए संविधान की जो रूपरेखा है वो बना देंगे। सारी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। कब आया साहब? अगस्त के अंदर आया, इसलिए इसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। लाने वाला व्यक्ति कौन, तो अपने को याद रखना है उस समय पर गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो, जिनकी फोटो है जो आपको देखने को मिल रही। अब आगे क्या हुआ उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अब इस पूरे के पूरे अगस्त प्रस्ताव के अंदर, अगस्त जो प्रपोजल था, इसके क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है साहब युद्ध के बाद संविधान का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। और इस संविधान के ढांचे में जो अपन ने याद करो ना साहब, जो साइमन कमीशन था उसमें तो किसी भी भारतीयों को भाई एंट्री नहीं दी गई थी, लेकिन अब अंग्रेज कह रहे थे कि भैया एक संविधान का ढांचा बनाएंगे और उसके अंदर भारतीय प्रतिनिधियों को जो है वो अधिक से अधिक संख्या के अंदर जोड़ा जाएगा। भाई साइमन कमीशन की जो गलती थी वो यहाँ तो याद आ गई। वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद का जो है वो पूरी तरीके से विस्तार किया जाएगा और इसके अंदर भारतीयों की जो अधिक संख्या है उसको सम्मिलित किया जाएगा। आप सोचो, 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म में पहले भारतीय आते हैं, सिर्फ एक भारतीय आते हैं, और अब जो है अंग्रेज कह रहे थे ये जो ये पूरी की पूरी कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके अंदर जो है हम भारतीयों को और ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, और ज़्यादा इंडियंस को इसमें इंक्लूड करेंगे। तीसरी बात कहते हैं कि साहब एक युद्ध सलाहकार परिषद की नियुक्ति की जाएगी जिसके अंदर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि और अन्य भारतीय होंगे। भाई ये जो वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी और इस बार जो है उसके अंदर भारतीयों को भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ साथ में अब जो है वो अंग्रेज औपनिवेशिक स्वराज्य की, ये हम बात करते हैं साहब जो डोमिनियन स्टेटस वाली बात कर रहे थे वो अंग्रेज अब करते हैं। तो सोचो, अरे भाई हमने जो है वो डोमिनियन स्टेटस मांगा था 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, और साहब कितने साल हो गए, तब तो आपने हमारी सुध ली नहीं, और अब जो है वो आप हमें औपनिवेशिक दर्जा देने चाहते हो, औपनिवेशिक स्वराज देना चाहते हो। तो ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने जब सुनी तो उन्होंने एक बड़ी लाइन अच्छी कही थी कि भाई डोमिनियन स्टेटस इज डेड लाइक अ डोर नेल। मतलब कहने की बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू साहब ये कहते हैं कि भैया अब जो है ये पूरी तरीके से इसका कोई औचित्य नहीं रहता, अब बातें करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात अगस्त प्रपोजल के अंदर अंग्रेज रखते हैं कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जब तक अल्पसंख्यक जो हैं किसी भी संवैधानिक सुझाव को नहीं मानते हैं तब तक सरकार जो है वो उस बात को नहीं मानेगी, कोई भी संवैधानिक परिवर्तन जो है वो नहीं करेगी। ये बात आपको याद रखने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं
साहब कि ये जो इंपॉर्टेंट सारे प्रपोजल दिए, भारतीयों को समझ में आ गया था कि यार ये तो अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने को इनकी बातों में नहीं आना है। तो अब एक ऐसा सत्याग्रह चालू होने वाला था जिसमें लोग तो जुड़ रहे थे पर हर एक इंपॉर्टेंट जो सत्याग्रही था वो अपने आप में उसका नेतृत्व संभाल रहा था। यानी इस सत्याग्रह को कहेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह और इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है जिसे अपन दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे वो जितने भी इंपॉर्टेंट नेता थे उन सबको कैद कर लेते थे, उनको प्रिजनर बना लेते थे। तो भाई अगर नेता खत्म हो जाते थे तो नेतृत्व पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरा का पूरा जो मूवमेंट होता था, आंदोलन होता था, वो नेतृत्व विहीन हो जाता था, लीडरलेस हो जाता था। इस वजह से भारतीयों को लगा कि साहब हम जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। यानी इसके अंदर जितने भी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके मैसेज जो है वो लेटर के थ्रू सब लोगों को सुनाए जाएंगे और हम आपस में मिलकर जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। क्या होता है इसके अंदर, इसका कारण क्या था, सबसे पहले तो अपन ने ये देख ही लिया कि भाई जो अगस्त प्रस्ताव दिया था उसके अंदर जो भारतीयों को असंतोष था कि भाई इतना बकवास प्रस्ताव दिया, ये सारी की सारी बातें तो आप पहले करते तो ठीक रहता, अब तो आपको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ जिस सत्याग्रह को किया गया साहब वो हो गया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें इंपॉर्टेंट तौर पर ब्रिटेन के प्रति जो नैतिक विरोध था उसका ये प्रतीक माना गया साहब। ये एक तरीके का सत्याग्रह था जिसमें ब्रिटेन जो हरकतें कर रहा था उसका नैतिक विरोध किया गया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। इस आंदोलन को कहते हैं साहब दिल्ली चलो आंदोलन। क्या कहते हैं भैया, दिल्ली चलो आंदोलन। और इसकी अगर हम बात करें साहब व्यक्तिगत सत्याग्रही की कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तो पहले का नाम आता है साहब विनोबा भावे। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्यों, क्योंकि एक तो इस पूरे के पूरे सत्याग्रह से इसके ईयर के ऊपर क्वेश्चन आता है और दूसरा आता है साहब पहले सत्याग्रही कौन थे। एग्जाम में एक बार ये भी पूछ लिया था कि साहब द्वितीय कौन थे, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। और अगर तीसरा अब आने वाले एग्जाम में आ जाए पूछना तो याद रख लेना साहब ब्रह्मदत्त जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पर तीसरे सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रही थे। तो यार ये एक तरीके का नैतिक आंदोलन था जिससे लोगों के अंदर जो है वो लड़ने की क्षमता बढ़े और किसी ना किसी तरीके से अगस्त प्रस्ताव का जो है वो पूरी तरीके से विरोध किया जाए। लेकिन कैसे, व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब अंग्रेज़ों को समझ आ जाता है साहब कि भारतीय तो हैं ये मानने वाले हैं नहीं। तो अंग्रेज़ क्या, आप सोचो, आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि अगर प्रिंसिपल से आपको कोई बात मनवानी है तो जो प्रिंसिपल की नज़रों में अच्छा बच्चा है आप उसको उनके कैबिन के अंदर भेजते हो, उसको जो है उनके ऑफिस में भेजते हो। तो इस बार जो है अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों की बात करता था लंदन में बैठकर और भारतीयों को लेकर, अगर भारतीयों के दिमाग में उस व्यक्ति की बड़ी अच्छी छवि थी तो वो व्यक्ति था जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था भैया उसका, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था भाई, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो 1942 के अंदर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पूरा नाम लिख लो क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो अपने को याद रह जाएगा साहब, स्टैफर्ड क्रिप्स नाम का जो व्यक्ति था वो भारत के अंदर आता है एक मिशन लेकर जिसको हम कहते हैं साहब क्रिप्स मिशन। क्या कहेंगे साहब, क्रिप्स मिशन। अब ये पूरा का पूरा जो क्रिप्स मिशन था ये आया क्यों, क्योंकि इसका कारण था भारतीयों से युद्ध सहयोग प्राप्त करना। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है उसमें भारतीयों का पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना भैया, समर्थन प्राप्त करना, इस पूरे के पूरे क्रिप्स मिशन का एक मकसद था। ये क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय आयोग था, सिंगल बॉडी कमीशन था और इसके एक सदस्य कौन थे भाई, स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे भैया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब ये क्रिप्स आते हैं और भारतीयों के सामने जो है वो कई सारी बातें रखते हैं। क्या बातें रखते हैं, पहली बात ये कहते हैं कि साहब आपको औपनिवेशिक स्वराज मिल जाएगा, वही सेम कॉपी कर रहे थे। दूसरी बात ये कहते हैं कि भैया युद्ध के बाद जो है वो एक संविधान सभा बनाई जाएगी, युद्ध के बाद जो है एक बड़ी शानदार सी संविधान सभा बनाई जाएगी। तीसरी बात ये कहते हैं कि प्रांत और रियासतों को पृथक संविधान का अधिकार होगा कि भाई जितने भी राज्य हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट तौर पे रियासतें हैं, कौन सी रियासतें, जिनके ऊपर जो है राजाओं का शासन होता था, उनका जो है पूरी तरीके से अधिकार होगा कि वो अपना अलग अलग संविधान बना सके, अपना अलग अलग संविधान बना सके। साथ ही बात हमें देखने को मिलती है साहब कि युद्ध तक सुरक्षा का जो दायित्व है, युद्ध तक जो सुरक्षा का दायित्व है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा, ब्रिटेन के पास रहेगा। किसके पास रहेगा भैया, ब्रिटेन के पास रहेगा। तो सोचो यार ये बातें जो हैं ये सारी की सारी कहने को तो ठीक लग रही है लेकिन आप सोचो अंग्रेज़ों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि बहुत बार जो है वो हमें धोखा दे चुके थे। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी जो है वो इसको क्या कहते हैं साहब, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है भैया, एक पोस्ट डेटेड जो है ये एक चेक है।
इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को जो है कहा डेड लाइक अ डोर नेल, और उसी तरीके से महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि भाई ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे कि साहब क्रिप्स मिशन कब आया, तो भैया 1942 के अंदर आया। अच्छा क्यों आया था, जिसे भारतीयों से युद्ध के अंदर जो है वो सहयोग प्राप्त हो, एक सदस्य आयोग था, चार इंपॉर्टेंट बात करी, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। भाई पोस्ट डेटेड चेक होता है ना कि आगे वाली तारीख का दे देंगे, तो भाई ये तो आप आगे वाली बातें कर रहे हो, अभी क्या कर सकते हो हमारे लिए वो बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी थी तीन इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आज की कड़ी के अंदर हमने देखी। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें और हमें अपना प्यार जो है वो ऐसे ही देते रहें। हमारे YouTube चैनल, Telegram चैनल, हमारी ऐप को डाउनलोड करके, भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति है, और भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। थैंक यू।